हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले न्यूज़, आज जो न्यूज़ आई है, आज का आर्टिकल है सबसे पहला, वो है लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में। तो देखें कि क्या है लक्ष्य प्रोग्राम। लक्ष्य प्रोग्राम का मतलब यह है कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। अब देखो, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि पहले गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लेकर क्यों है। देखो, बात ऐसी कि हमारे देश में गवर्नमेंट है वो चाइल्ड मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर दोनों को ही एक्चुअली कम करना चाहती है, ताकि इनकी इनकी संख्या में अगर कमी है तो हमारे देश का डेवलपमेंट है वो और जो हेल्थ है उसको सुनिश्चित किया जा सके। अब बात ऐसी कि गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट तो कर रही है, बट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट को कई बार, जैसे कि वहाँ पर क्वालिटी नहीं मिलती, या फिर वहाँ पर सफाई पर फोकस नहीं किया जाता, या फिर काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट वगैरह उन पर कई बार क्या है ध्यान नहीं देता ध्यान अब अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियसली हेल्थ है उसको सिक्योर हो नहीं किया जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा जितना गवर्नमेंट चाह रही है। इसीलिए गवर्नमेंट लक्ष्य प्रोग्राम लेके आई है। इसका मेन मोटो यही है कि मेटरनल और जो न्यू बॉर्न बेबी की जो मृत्यु रेट है इसको कम करना, ताकि हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है उसको आगे लेके जाया जा सके। इसमें देखो गोल ये रखे गए हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको लेबर रूम के अंदर और इसके साथ ही जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर उनको क्वालिटी वाली हेल्थ है वो प्रोवाइड करना। लेबर रूम का मतलब हुआ है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन डिलीवरी वगैरह होती है उस रूम के बारे में यहाँ पे फोकस है वो किया गया है। अब इसके टारगेट वगैरह क्या रखे गए हैं, इसके टारगेट बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ये रखे गए हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज होगी गवर्नमेंट की, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सब पे फोकस है वो किया जाएगा। मतलब मेन बात ये है कि जहाँ से भी हेल्थ का कनेक्शन होता है, जहाँ भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह होती है उस वाले एरिया को इसमें फोकस किया जाएगा। काम हमने डिस्कस किया कि लेबर रूम और जो मेटरनल ऑपरेशन थिएटर है उनमें क्वालिटी वाली हेल्थ है वो प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो और उसकी डेथ है वो ना हो, तो उसको सिक्योर करने के लिए। और इसी के साथ इसमें प्राइवेसी और फिजिकल एब्यूज और इसी के साथ जो कम्फर्ट की वातावरण उनके अनुकूल है नहीं, इन सारी चीज़ों पर भी फोकस है वो किया जाएगा। तो ये था लक्ष्य प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोग्राम है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है NBCC के बारे में, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो देखते हैं क्या कंटेक्स्ट ये है कि नेशनल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसके बारे में, अभी जो बिल्डिंग वगैरह बनाई है तो उसके बारे में मेन पॉइंट यहाँ पे आया है। तो हम देख लेते हैं कि भाई है क्या ये। सबसे पहली बात यह कि एक ब्लू चिप कंपनी है गवर्नमेंट की, जो कि नवरत्ना इंटरप्राइजेज के अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लू चिप कंपनी है गवर्नमेंट की नवरत्ना इंटरप्राइजेज के। अब ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है, ये आपके दिमाग में ऑब्वियसली आया होगा। ब्लू चिप कंपनी वो कंपनी होती हैं जो इनका क्या है लास्ट ईयर का, मतलब जिनका स्टार्टिंग से देखा जाए तो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब जिनकी ग्रोथ वगैरह वो भी अच्छी रही है, मतलब जो कंपनी भरोसे लायक होती है उनको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि टाटा की TCS कंपनी है, इंफोसिस कंपनी है, ये क्या है कि इंडिया की ब्लू चिप कंपनी है, क्योंकि इन पे जनता भरोसा करती है। भरोसा क्यों करती है, क्योंकि ये कंपनियाँ ऐसा नहीं कि एक साल तो इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है फिर दूसरे साल ये माइनस में जाती हैं, ऐसा सीन नहीं है। इन पे इनका जो ग्रोथ है वो एक तरीके से सस्टेनेबल लगातार ग्रोथ कर रही है और इनका आउटकम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब भरोसे लायक कंपनी है, ट्रस्ट लायक है, तो इन कंपनियों को कहा जाता है ब्लू चिप कंपनी। तो ये नवरत्ना कंपनी है ब्लू चिप कंपनी, जैसे कि NTPC हुई, गेल भेल, इस तरीके की जो महारत्ना कंपनी है उसी तरीके से महारत्ना से नीचे की कैटेगरी होती है उसको नवरत्ना कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत। कंटेक्स्ट यह है कि देखो अभी हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे, तो ऐसे केस में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग के टाइम पे आपको पता है गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त कर लेती है। अब भाई अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जब्त तो कर रही है तो उनकी, तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे ही धूल पड़ी रहने देगी। तो गवर्नमेंट तो सोचेगी ना कि कोई ना कोई तरीके से उन रेवेन्यू वगैरह हासिल किया जा सके, ताकि गवर्नमेंट को लॉस ना हो, कि गवर्नमेंट उनका फालतू का मेंटेनेंस तो देने वाली है नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो कंपनी है या जो संपत्ति इकट्ठी की गई है उस संपत्ति को दर रख रखा हुआ है वो देखभाल है वो किया जाएगा NBCC के द्वारा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब ये काम क्या करती है NBCC, यह मेनली काम ये करती है कि हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स है ना उनके लिए मेनली कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मतलब जैसे गवर्नमेंट को कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना हो कोई बड़े लेवल पर, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कि NTPC कोई काम चल रहा हो, इसके साथ ही कोई एयरपोर्ट वगैरह कहीं हो, तो वहाँ पर कई काम करते वो करती है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इसके बारे में कंटेक्स्ट था और न्यूज़ भी हमने डिस्कस की जो भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है NCPCR के बारे में, नेशनल
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में तो जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या। सबसे पहले तो देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट यह है कि एनसीपीसीआर ने भी एक सर्वे है वो करवाया, सोशल ऑडिट करवाई है तमिलनाडु में, उसके बारे में कंटेक्स्ट हुआ है। तो अब देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो ये आती है इसकी कि यह एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत इसका निर्माण है वो किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में और क्या है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है मेनली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट है भाई काम क्या करती है बॉडी। इस बॉडी का काम यह है कि देखो हमारे देश में अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी बननी है, कोई भी ऐसा कानून बन रहा है या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम बन रहा है या फिर कोई भी ऐसी एडमिशन है जो प्रक्रिया चल रही है, उसको हम ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं वो जो भी कानून या जो भी प्रक्रिया बन रही है उसमें किसी चाइल्ड राइट का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। मतलब इसका मेन काम यह कि कोई भी हमारे देश में किसी भी तरह के कानून वगैरह, लॉ वगैरह या फिर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम कुछ भी ऐसा आता है कि भाई जिसकी वजह से चाइल्ड के राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो वो सब काम किया जाता है एनसीपीसीआर के द्वारा। मतलब यह चाइल्ड राइट को प्रोटेक्शन देती है और उसके लिए यह डील करती है, जगह जगह जाके देखते कि हाँ भाई यहाँ पे ये कोई भी एक्ट बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस का हो, कोई भी हो, उसमें ये इसका इंश्योर करने का काम है कि भाई चाइल्ड राइट के अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो उस पर यह डील है वो करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी है कि इसमें जो चाइल्ड की एज है वो कहाँ तक काउंट की गई। इसमें चाइल्ड की एज है वो काउंट की गई 0 से 18 साल। देखो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हर स्कीम में चाइल्ड की एज है वो अलग अलग मेजर की गई है। कुछ स्कीम में चाइल्ड की एज है वो 0 से 16 ईयर मेजर की गई है, कुछ में है 0 से 18। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि इस तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट में घुमा फिरा के पूछ सकती है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, तो देख लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो जारी किया गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, तो ऑब्वियसली यूएन से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब देखते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है भाई। इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें वो आई है 133। तो इंडिया की रैंकिंग 133वीं इसमें रैंकिंग है वो इंडिया को मिली है। मतलब इंडिया इतनी अच्छी रैंकिंग है वो नहीं मिल पाई इंडिया को। क्यों नहीं मिल पाई है? क्योंकि इंडिया ने अच्छे ढंग से काम वगैरह नहीं किया। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया के आधार पर जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। देखो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे सबसे पहले इसका क्राइटेरिया वो तो एक पर व्यक्ति के जीडीपी, मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है हर इंसान की। इसके बाद में सोशल सहयोग के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी, उन पर भी फोकस किया जाता है। इसके बाद में देखा जाता है कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेट ईयर है वो कितना है। इसके बाद में फोकस किया जाता है कि भाई कोई भी इंसान है वो अपने फैसले लेने के लिए कितनी उसको ऑटोनॉमी आज़ादी है वो प्रदान की गई है। इसके साथ ही उदारता को फोकस किया जाता है, सरकार में भरोसा कितना है लोगों का, तो उस चीज़ पर भी फोकस है वो किया जाता है। इसके बाद में सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, इन सारी पॉइंट्स को इंक्लूड है वो किया जाता है। तो मतलब ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है कि भाई जिनसे पता चल सके कि हाँ भाई इस देश में कितना एक तरीके से हैप्पीनेस है, लोग कितने खुश है, तो उन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको काउंट है वो किया जाता है। तो आपको थोड़े क्राइटेरिया भी ध्यान रखने, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बाकी कंट्रीज की थोड़ी एक बार रैंकिंग देख लेते हैं इंडिया से जो रिलेटेड है वो। देखो बात ऐसी है, फिनलैंड इस बार नंबर 1 पे रहा है और नॉर्वे 2nd पे रहा है। तो मतलब सारे तो आपको रैंकिंग याद नहीं करने के, बट इंडिया की आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आपको जिसकी सबसे कम वो याद रखनी है कि अफगानिस्तान की सबसे कम है वो रही है, 145 कंट्रीज़ की रैंकिंग थी जिसमें अफगानिस्तान लास्ट में रहा है, सबसे ऊपर रहा है वो फिनलैंड रहा है। फिनलैंड का जो स्कोर है वो रहा है 7.63। मैनलिस में जो स्कोर है वो 0 से 10 के बीच में होता है। 10 का मतलब है कि बस उस कंट्री में तो दुख है ही नहीं, मतलब सब लोग एकदम हैप्पी वाले हैं, वहाँ पे सारी जो आइडियल कंडीशन हो गई है तो वो तो अभी है नहीं। इंडिया की रैंकिंग है वो हमने देखा कि 133 है और यहाँ पे जो स्कोर है इंडिया का वो है 4.1। तो ये कुछ बेसिक चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान है वो रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, तो देखते थे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है क्या। देखो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर सके हैं क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारे काम इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं इस बार। और इसके बाद इस टाइटल क्या है इस बार का वो देखते हैं। जो वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है वो देखते हैं, उसकी टाइटल ये है कि फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेनली एक रिपोर्ट है। देखो सीन ऐसा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अंदर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो जारी किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे क्या सीन है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पहले थोड़ा देख लेते हैं कि भाई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जारी क्या क्या गया है, किस बेसिस पे जारी किया गया।
देखो बात ऐसी है, इसमें इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि भाई कोई भी कंट्री है वो किस तरीके से तो एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर रही है, इसके साथ ही पर्यावरण के ऊपर भी उसका कितना फोकस है, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बना के चल रही है नहीं चल रही, और इसी के साथ ही उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके चलो कि भाई इंडिया का एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया के अंदर लोगों को एनर्जी मिल कित जो लाइट है इलेक्ट्रिसिटी वो किस रेट पर तो मिल रही है और कितनी देर मिल रही है, काफ़ी सारी चीज़ों को फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो एनर्जी है वो सारी सारी फॉसिल फ्यूल से बनाई जा रही है और जबकि एनर्जी है वो क्वालिटी वाली एनर्जी नहीं मिले, तो ऐसे हॉल में क्या कि दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना हुआ है, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर भी फोकस करना है हमें और जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी दो हर जैसे कि कुछ एरिया में तो एनर्जी है वो 24/7 मिल रही है और कुछ एरिया में इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 घंटे भी नहीं आ रही, तो वो एक तरीके से काफ़ी असमानता हो गया, तो दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हुआ। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इन सारी चीज़ों को बैलेंस से फोकस करते हुए यह जो इंडेक्स है वो जारी किया गया। इंडिया की जो रैंकिंग है वो आई है 78, और देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देशों में ब्राज़ील की जो ब्रिक्स कंट्रीज में देखते हैं सॉरी कि ब्राज़ील की रैंकिंग आई हुई है 38 और चाइना की रैंकिंग आई है वो आई 76, तो मतलब चाइना हमसे आगे है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, यूपीएससी पूछ सकती है ब्रिक्स वाले में कि भाई जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग इंडिया के अलावा चाइना की रैंकिंग ऊपर है नीचे, तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई चाइना की रैंकिंग है वो हमसे ऊपर है क्योंकि चाइना ने अच्छे ढंग से काम है वो किया है। अब इसके साथ ही हमको जो बेसिक और भी जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन आपको बेसिकली तो सारी जो रैंकिंग है वो आपको याद नहीं रखनी होती है कि भाई कौन फर्स्ट रैंक पे कौन सा आ रहा है सेकंड पे कौन सा आ रहा है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई इंडिया का कौन सा रैंकिंग पे रही है, और ये आपको अगर याद नहीं हो रही है तो आप उनको 2-3 बार क्या रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एक फाउंडेशन है जो है नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट है और कौन कौन से इंडेक्स हैं वो पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि हर साल इसके द्वारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स सब काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिश हैं वो की जाती हैं। चलो आप ये बताओ कि वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब इसके साथ एक बात यह है कि यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर जाना क्यों जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह इसलिए जाना जाता है क्योंकि हर साल देवोस में एक समिट होता है जनवरी के एंड में जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। उसमें क्या होता है कि सारे जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड की उसके इकोनॉमिस्ट हैं वो आके वापस में बातचीत करते हैं कि भाई किस तरीके से इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए सबसे पॉपुलर है, मतलब इसका मेन काम वो यही है कि देवोस में एक समिट होता है हर साल जनवरी में वो आयोजित करवाना। तो ये इसके बारे में कुछ जो बेसिक न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की, और आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी रिपोर्ट और कौन से इंडेक्स हम पब्लिश किए जाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब हम देख लेते हैं आगे आज के हमारे जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई तेजस के बारे में बताना है कि तेजस क्या है, क्या कोई है कोई एक स्वदेशी मिसाइल है, या फिर दूसरा बताना है कि क्या यह कोई स्वदेशी पनडुब्बी है, तीसरा यह है कि यह कोई भारी वो हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान है, फिर चौथा ऑप्शन है वो है हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। तो देखो यह इसका ऑप्शन है वो डी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि काफ़ी हल्का है लाइट वेट के लिए यह जाना जाता है तेजस, और इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था और अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो इस तरीके से यूपीएससी आपको स्टेटमेंट देके पूछ सकती है, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन वो नहीं होना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की डिस्कशन के बेसिस पे देखते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो इस बार का कंज्यूमर डे था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे था उसकी थीम क्या थी, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको थीम आई होप याद होगी, इसकी थीम थी वो थी मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेज फेरी है, तो ये चीज़ हम आपको ध्यान रखने की यूपीएससी थीम वगैरह के बेसिस पे क्वेश्चन है वो पूछ लेती है। अब आपको बताना है साहित्य अकेडमी के बारे में, साहित्य अकेडमी क्या एक स्टेचुरी बॉडी है और क्या यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं क्योंकि यह स्टेचुरी बॉडी है, 1954 में बनाई गई थी, ऑटोनॉमस रूप से यह काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत यह आती है। अब आपको और जो क्वेश्चन है कल वो आपको ये बताने हैं वो है वर्ल्ड सॉरी अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट 29 के बारे में, प्रोजेक्ट 29 किससे रिलेटेड है, क्या प्रोजेक्ट 29 है वो किसानों की इनकम डबल करने से है, क्या प्रोजेक्ट 29 है वो एक्चुअली हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई है, और क्या प्रोजेक्ट 29 है वो जो शिपिंग एरिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो उसको प्रमोट करने के लिए है, या फिर नन ऑफ दिस, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही है। देखो थर्ड ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट 29 है वो एक्चुअली पोर्ट के एरिया में जो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण वगैरह उनका यूज़ है किया जा सके और पोर्ट पर काम हो आसानी से हो सके, इसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।